के पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया देखो कोई जादूगर। देखिए दोस्तों, आज हम गणित करेंगे। तो सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है, यदि एक्स की घात 3 - 3x2 - x2 को बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना है, तो जी एक्स का मान ज्ञात करो। बहुत इजी सवाल है बच्चा लवन, बहुत सरल सवाल है। यहाँ पर हमको एक बहुपद दिया है, इस बहुपद को हमने जी एक्स से भाग दिए, है ना। जब हमने इस बहुपद में इससे भाग दिए तो भाग देने पर हमको भागफल मिलता है, भागफल हमारा इतना आया है और शेषफल हमारा इतना आया है। तो हमको जी एक्स ज्ञात करना है, मतलब कि किससे हमने भाग दिया हमको वो ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य कहते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहते हैं। इसमें भाग दे रहा है तो ये हो गया हमारा भाज्य, तो हमको दिया है भाज्य, भाज्य दिया है एक्स की, भाज्य हमको इतना दिया है। तो लिख दो भाज्य बराबर x^3 - 3x^2 - x^2, ये हमारा हो गया भाज्य, ठीक। और इससे भाग दे रहा है तो जिससे भाग देते हैं उसको हम भाजक बोलते हैं, तो ये हमारा भाजक है, भाजक दिया हमारा जी एक्स, जिसको हमको ज्ञात करना, मतलब कि क्वेश्चन मार्क। हमको दिया है भागफल और शेषफल, मतलब पहला वाला भागफल और दूसरा वाला शेषफल। भागफल दिया है x^2, भागफल बराबर x^2, और शेषफल है -2x^4, शेषफल दिया है -2x^4। क्लियर। अब सिंपल सा एक सूत्र होता है विभाजन एल्गोरिथम का, विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। अरे विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। भाज्य का मान कितना दिया है? भाज्य का मान इतना दिया है, तो भाज्य की जगह हम इतना रख देंगे, बराबर का बराबर। भाजक का मान कितना दिया है? भाजक का मान इतना दिया है, तो भाजक की जगह हम इतना रख देंगे, गुणा का गुणा। भागफल का मान इतना दिया है तो भागफल की जगह हम यहाँ पर इतना रख देंगे, धन का धन। शेषफल, शेषफल का मान बच्चा पलटी यहाँ पर इतना दिया है तो शेषफल की जगह हम यहाँ पर इतना रख देंगे। क्लियर। देखो बराबर किस तरफ, जे एक पद फिर दूसरा पद और ये अगला पद। बराबर किस तरफ? ये वाला पद धन का है। बराबर किस तरफ? ये वाला पद धन का है। इसको मैं बराबर के इस तरफ लाऊंगा तो धन वाला ऋण का हो जाएगा, जो होता है पक्षांतर का नियम। ये जैसे का वैसा, बराबर किस तरफ जो पद धन वाला था, इस तरफ आकर के ऋण का हो गया। अरे धन की जगह ऋण लग गया। बराबर का बराबर, जी एक्स का जी एक्स, गुणा का गुणा, x^2 का x^2। सिंपल सी बात है, x^3 का x^3, -3x^2 का -3x^2, -x का -x, -2 का -2। अरे दो बोल दो। देखो अब इस ऋण का गुणा इस पूरे कोष्टक से जाएगा, तो ऋण गुणित ऋण धन 2x का 2x। अरे ऋण गुणा धन ऋण, अरे 4 का 4, बराबर का बराबर, gx का gx, गुणा का गुणा। मित्रों यहाँ पर x^2 बचा है, तो यहाँ पर लिख लूँगा मैं x^2। बहुत सरल सवाल है बबुआ, बहुत सरल सवाल है। अब सिंपल हल कर लेंगे हम, हल कर दे आपको आना चाहिए। देखिए हमने हल कैसे करे इसको, अगली स्टेप में x^3 है और कहीं पर है कि x^3 वाला नहीं है, तो हटाओ इसको, जैसे का वैसे लिख देंगे। -3x^2 और घात दो वाला है कि नहीं है, जैसे वैसे लिख देंगे। ये भी x वाला है और ये भी x वाला है, तो x वाला आपस में हल हो जाएंगे, तो 2x और 1x मिलकर हो जाएंगे 3x, और -4 और +2। जब जिस ये भी संख्या और ये भी संख्या, संख्या को हल कर लेंगे। जब एक संख्या ऋण वाली होती है, एक संख्या धन वाली होती है, तो घट जाता है, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, और उसके सामने भाई चिन्ह रहेगा जो बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह है। तो उसको हल करने पर, काटा हल करने पर, जोड़ने घटाने पर हमको कितना प्राप्त हुआ? जोड़ने घटाने पर हमको प्राप्त हुआ x^3 - 3x^2 - 3x^2 प्राप्त हुआ, बराबर का बराबर, gx का gx, गुणा x^2 का x^2। क्लियर। अब बराबर किस तरफ?
देखो अब सिंपल सी बात है, अब ये ऐसा लिखा है ना, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ। ये देखो, ये इसको मैंने इस तरफ लिख दिया हूँ और इसको मैंने इस तरफ लिख दिया हूँ, क्लियर लिख दिया मैंने। देखो ये वाले पद को मैं इस तरफ लिख दूंगा और ये वाले पद को मैं इस तरफ लिख दूंगा। अब देखो एक्स ऋण दो यहाँ पर गुणे में है, एक्स ऋण दो जो है बराबर किस तरफ, गुणे में है, जी एक्स के गुणे में है। एक्स ऋण दो बराबर किस तरफ, जी एक्स के गुणे में है। तो पक्षांतर करेंगे तो गुणा वाला भाग में जाएगा, तो जी एक्स का जी एक्स बराबर का बराबर ही जैसे का वैसा ये गुणे में था, यहाँ पर भाग में आ गया। इसको मैंने समीकरण एक नाम दिया, इसके बटे में ये है, मतलब कि हमको अब इसमें इसका भाग देना है, तो जी एक्स का मान निकल के जाएगा। अब कुछ मत करो, इस बहुपद में इस बहुपद का भाग दे दो, अरे इस बहुपद में इस बहुपद का भाग दे दो, भाग देने के बाद जो आपका आंसर आएगा भाई आपका जी एक्स होगा। भाग इस बहुपद में इस बहुपद का भाग दे दो, भाग देने के बाद जो आंसर आएगा भाई आपका भाजक जी एक्स होगा। सिंपल, अतः एक्स की घात तीन ऋण तीन एक्स की घात दो, इसमें एक्स ऋण दो का भाग देने पर, अरे भाग देना बहुत सरल है बच्चा, अरे बहुत सरल है, बहुत सरल है मुन्ना, बहुत सरल है। सिंपल भाग दे दो, एक्स की घात तीन का एक्स की घात तीन, ऋण तीन एक्स की घात दो का ऋण तीन एक्स की घात दो, धन तीन एक्स का धन तीन एक्स, ऋण दो का ऋण दो, एक्स ऋण दो का एक्स ऋण दो। कुछ नहीं करना, इस बहुपद का प्रथम पद एक्स की घात तीन है तो एक्स की घात तीन को अलग से अलग लिख दो, इस बहुपद का प्रथम पद एक्स है तो बट्टे में यहाँ पर एक्स लिख दो। बेटा इस बहुपद का प्रथम पद उठाओ जहाँ धर दो, इस बहुपद का प्रथम पद उठाओ जहाँ धर दो। अब काट दे, ऊपर तीन एक्स है नीचे एक ही एक्स है, तो नीचे के एक एक्स से ऊपर को एक्स एक्स कट गाओ, तो तीन एक्स में से एक एक्स कट जाए तो कितने एक्स बचे, अरे दो एक्स बचे ना बबुआ, एक्स की घात दो बचो। अब एक्स की घात दो बचा, इस एक्स की घात दो का गुणा इस एक्स की घात दो का गुणा इस भाजक से कर दे तो तेरी भाजी बन जाएगी, एक्स की घात दो का गुणा इस भाजक से कर दे तो एक्स की घात दो गुणा एक्स एक्स की घात तीन, एक्स की घात दो गुणा एक्स एक्स की घात तीन, ऋण का ऋण दो इंटू एक्स की घात दो, दो एक्स की घात दो, क्लियर। अब घटाते समय चिन्ह उलट जाते हैं, इसके सामने धन है धनबाल हो जाएगा ऋण का, इसके सामने ऋण है ऋणबाल हो जाएगा धन का। एक्स की घात तीन धन का है, एक्स की घात तीन ऋण का है, तो धन वाले से ऋण वाला कट गया, अरे जीरो बचा, अरे जीरो मैं हूँ हीरो। अब एक तीन एक्स की घात दो, अरे तीन एक्स की घात दो ऋण का है, दो एक्स की घात दो धन का है। जब एक धन वाल होता है और एक ऋण वाल होता है ना, तो बड़े में छोटो घट जाता है, तो तीन एक्स की घात दो में से दो एक्स की घात दो गया, एक एक्स की घात दो बचेगा, तीन एक्स की घात दो में से दो एक्स की घात दो गया, एक एक्स की घात दो बचेगा, और इसके सामने वही चिन्ह रहेगा जो कि बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह है। इसके सामने ऋण रहेगा तो इसके सामने भी यहाँ पर ऋण रहेगा, धन तीन एक्स का धन तीन एक्स, ऋण दो का ऋण दो। अब इस बहुपद का प्रथम पद उठाओ, इसको जहाँ लिख दो ऋण एक्स की घात दो उठा, इस बहुपद का प्रथम पद ऋण एक्स की घात दो है, उसको उठाकर यहाँ पर लिख दिया मैंने ऋण एक्स की घात दो, फिर लगाओ बटा, इस बहुपद का प्रथम पद एक्स है तो बट्टे में लिख दो यहाँ पर एक्स बराबर का, देखो काट दो, ऋण का ऋण ऊपर दो एक्स है और नीचे एक ही एक्स है, तो ऊपर के दो एक्स में से नीचे का एक्स एक्स कट गया तो एक ही एक्स बचेगा, ऋण एक्स बचा। अब इस ऋण एक्स का गुणा इस बहुपद से कर दो, तो ऋण का ऋण एक्स इंटू एक्स एक्स की घात दो, ऋण अब चिन्ह का गुणा ऋण गुणित ऋण धन हो गया, एक्स गुणित दो दो एक्स हो गया। अब सिंपल घटा देंगे, घटाते हैं तो ऋण वाला धन का हो जाता है और धन वाला ऋण का हो जाता है, चिन्ह पलट जाते हैं बबुआ, एक्स की घात दो धन का है, एक्स की घात दो ऋण का है, धन वाले से ऋण वाला कट गया, तीन एक्स धन का है दो एक्स ऋण का है, तो तीन एक्स में से दो एक्स गए एक ही एक्स बचा, अरे तीन एक्स में से दो एक्स गए एक ही एक्स बचा ना, एक ही एक्स बचा, और इसके सामने वही चिन्ह रहेगा जो कि बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह है, यहाँ पर बड़ी संख्या के सामने यहाँ पर दो है, इसलिए इसके सामने यहाँ पर बड़ी संख्या के सामने यहाँ पर धन है, इसलिए यहाँ पर भी धन रहेगा, ऋण दो का ऋण दो। अब सिंपल, इस बहुपद का प्रथम पद उठाओ एक्स, इस बहुपद का प्रथम पद उठाओ एक्स, भाग दो एक्स एक कम एक्स, इस एक का गुणा यहाँ कर दो, एक गुणित एक्स एक्स एक कम एक्स, ऋण का ऋण दो गुणित एक दो एक कम दो। अब घटा दो, तो घटाते समय चिन्ह बदल जाते हैं, धन बाल हो जाएगा ऋण का, ऋण बाल हो जाएगा धन का, एक्स धन का एक्स ऋण का है घट के जीरो, दो धन का दो ऋण का घट के जीरो, भाग देने पर इतना आया तो यही हमारा जी एक्स है। तो देखो आपने इन दोनों का भाग करे, आपने इन दोनों को भाग करे, आपने इन दोनों को भाग करे तो इतना आया ना, भाग करने पर इतना आया तो यही मान जी एक्स का मान है। देखो अरे यार, देखो आपने भाग दिए, आपने इन दोनों का भाग करे तो इतना आया, आपने इन दोनों का भाग करे तो इतना आया, आपने इन दोनों को हल करे तो इतना आया, तो इन दोनों को हल करने पर
इतना आया, सिंपल सी बात है, है ना, सिंपल सी बात। आपने इन दोनों को भाग दिए तो इतना आया ना, आपने इन दोनों को भाग दिए, आपने इन दोनों को भाग दिए तो आला पद आया कि नहीं, तो यही हमारा जी एक्स है। भाग देने पर हमारा इतना पद आया, तो ये हमारा क्या है, जी एक्स है।